एक आदिवासी समाज के सामने रखकर गोर समाज के भाई मन रखकर पहला फुसला कर आदिवासी समाज के भाई लोग कौन किसे साझे प्रभाव के उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया, जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया। इनका आपसी झगड़ा था, वहाँ दसेले में आदिवासी भाई लोग गए थे, वहाँ उनका गांव है, आदिवासी भाई लोग के साथ झगड़ा हुआ है। इनको लगातार कांग्रेस के आदमी ही दिख रहे हैं, हमेशा कुछ हो रहा है कांग्रेस को लिए चला जा रहा है, जबकि वैसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बेमेतरा जिले में फिर से राजनीतिक गरमाया। ऐसे ही साझा विधानसभा चुनाव के बाद से चर्चा में है ऐसे ही एक मामला। दशहरा उत्सव के दौरान चेचान में टार निवासी एक आदिवासी लड़के को विधायक के बेटे कृष्ण साहू ने आदिवासी समाज के युवक के साथ जातिगत गाली गलौज किया था। वहीं मामले में MLA पुत्र ईश्वर साहू पुत्र कृष्ण साहू के खिलाफ ST/SC के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद विधायक ईश्वर साहू ने अपने निवास में प्रेस वार्ता लिया, जहां विपक्ष सहित पूर्व विधायक व मंत्री सहित कांग्रेस के पदाधिकारी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप लगाए हैं। साझा के विधायक ईश्वर साहू ने बेटे कृष्ण साहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। ये केस साझा थाने में दर्ज किया गया। इस घटना में एट्रोसिटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी अपराध रजिस्टर्ड हुआ है, जिससे लेकर ईश्वर साहू ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताया है। साथ ही साथ साझा पुलिस पर बिना जांच के अपराध पंजीबद्ध करने का नाराजगी व्यक्त की है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साझा के महामंत्री दिनेश साहू ने कहा कि जो साझा विधायक ईश्वर साहू के द्वारा प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी को साजिश बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हमारे नेता, पूर्व मंत्री एवं हम पदाधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो पूर्णत गलत है। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा, उसके तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर गोर समाज के भाई मन रखकर पहला फुसला कर, क्योंकि गोर आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया, जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने, और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके षड्यंत्र रचते हुए एक तरफा मेरे लड़के के ऊपर अपराध दर्ज किए। अपराध दर्ज करना ही था तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। ST/ST तो अपराध दर्ज किए, ऐसे क्यों किए? ये तो पूरी षड्यंत्र है, खासकर पूर्व विधायक का जो दो दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा, और तो और जो परिवार है, जो आदिवासी समाज के परिवार है गोड़ समाज का, वो एक कांग्रेस के एक ठेकेदार के आप पूरा परिवार काम करने जाते, तो उनको उसका भी दबाव है, वो ठेकेदार का भी दबाव है कि विधायक को कैसा बदनाम करे। दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा, मैं लगातार जनता की समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, इसको लोकप्रियता कैसे कम करे, इसको बदनाम कैसे करे, इसके तहत आज मेरे लड़के के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी अपराध होता हो अपराध दर्ज करना चाहिए। जी, मैं दिनेश साहू साझा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। जी, अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ईश्वर साहू के द्वारा विपक्ष के ऊपर एक आरोप लगा कि साजिश, विपक्ष पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप है, क्या कहेंगे? निराधार है, निंदनीय है जो विधायक जी बोल रहे हैं। अभी वैसा कुछ नहीं है, इनका आपसी झगड़ा था, वहाँ दसेले में आदिवासी भाई लोग गए थे, वहाँ उनका गाँव है, आदिवासी भाई लोग के साथ झगड़ा हुआ है। इनको लगातार कांग्रेस के आदमी ही दिख रहे हैं, हमेशा कुछ हो रहा है कांग्रेस को लिए चला जा रहा है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। बात हमेशा कांग्रेस वालों को ये करना गलत बात है। अभी तो इनके समाज वाले लोग के दबाव आ गया, अभी तो सुनने में आ रहा है मेरे को पूरा प्रदेश स्तर में जंग करने वाले हैं लोग। और आदरणीय महोदय जी ध्यान दें, अपने लड़के को सुधारे, अपना मानसिकता संतुलन खो बैठा है शायद, लगता है मेरे को अपने इलाज कराए और कांग्रेस कांग्रेस शब्द बोलना छोड़े। पदाधिकारी का पूरा आरोप लगाएंगे।
वैसा कुछ भी नहीं है, पदाधिकारी क्या करेगा, उनका आपसी का झगड़ा था, लड़ाई था, हम लोग गए थे का वहाँ पे, लड़ाई तो आदिवासी भाइयों के साथ हुआ है, हैं, और आदिवासी भाई लोग ही लेकर उनको लाया, समाज के आदमी उनको ला के थाना में बैठाया था उनको अभी उनका मानसिक बता रहा हूँ ना, मानसिक संतुलन खो बैठा। अभी तो सबसे पहले अपने लड़के को सुधारे, जिनके बल बदौलत एक लड़के के बल बदौलत आप विधायक बने हो आप, अब एक लड़के को सुधारो आप कम से कम।